प्रदेश में बदलते मौसम के साथ साथ मौसमी बीमारियों के चलते जिला अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में प्रतिदिन 8,000 से ज्यादा मरीजों की ओपीडी देखने को मिल रही है। वहीं दवा वितरण केंद्रों पर भी मरीजों की काफी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। चिकित्सकों ने कोरोना के चलते आमजन को कोविड प्रोटोकॉल की पालना करने की सलाह दी है। देखो, कोविड के केस जिस तरह के अपन देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से अब कम होने लगे हैं। जो पीक है हम पार कर चुके हैं और प्रतिदिन के साथ केसेस में गिरावट आ रही है। फिर भी अभी हमारे यहाँ पर क्योंकि सर्दी का प्रकोप बढ़ा हुआ है, अब सुबह के टाइम सर्दी ज़्यादा होती है और दोपहर शाम के टाइम गर्मी हो जाती है, तो इस समय हमारे पास मौसमी बीमारियों के और खांसी जुकाम के मरीज अधिक आ रहे हैं। कई मरीजों में कोविड आ भी रहा है, कईयों में नेगेटिव भी आ रहा है, तो जिसको हम ILI बोलते हैं, ILI के मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं। इसमें खांसी जुकाम के सिम्टम होते हैं, गला ख़राब होता है और किसी को बुखार की समस्या भी होती है। इन सभी रोगियों का हम एहतियात के रूप में कोविड का RT-PCR टेस्ट कराते हैं, जिनमें जिसके रिपोर्ट के अनुसार उनका इलाज किया जाता है। सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और भीड़ भाड़ ना करें। आपस में जैसे कभी भीड़ भाड़ के स्थानों पर जाना भी पड़े तो उचित दूरी 3 से 6 फुट की दूरी बना के रखें। मास्क का हमेशा प्रयोग करें।